कम हो 10 केजी। एक पिंड में एक बुद्धू सी वसदा ना सी उसका नूरा चुप रहन की जात ना उसकी एंकर पूरा। एक दिन नूरा नानके चलिया सोहने कपड़े पा के पैरी जुत्ती हाथ में सोटी तेल मुछा नू ला के नचदा टपदा गाँवदा जाता तंगे जाल सवेरे जिथे उसू बंदे लगे बन ला गए जाल बतेरे। नवी जुत्ती सी जी जी करती उसू नशा चढ़ावे उड़चल छेती उची उची करे जो बंदे फंड बतेरे गुस्सा उन्होंने चढ़िया जो बंदे फंड बतेरे गुस्सा उन्होंने चढ़िया सोठी खो के दो तीन जड़िया नाले मोदे पट्टे कहता दसो गल सियाणी ऐसी भार ना मुड़ के खाव। उन्हें कहा तू तुरत तुसी फस जाओ तू कहता ठठा जाओ दूरा आगे गया तो चोर सन चोरी करते उन्हें उसू चकिया कहता तुरत तुसी फस जाओ तो तुसी फस जाओ दूरा कहता जावे नाले नचे नाले कुत्ते चौकी नाल जावे। चोरों ने भी रज के मरम्मत की नूरा बड़ा ही रोया उन्हें कहा तू दसी मैनू तो मैं अगे की आखा। वो कहते इदा कर भी तू बोली जे लियाई जाओ तो रखी जाओ तू कहता ठठा जावी। नूरा अगे क्या दे किस्मत झंड चढ़ाया आर्थी लैके जाता टोला पास उड़ते आया कहता लियाई जाओ तो रखी जाओ। उन्होंने भोजन धरती रख के नूरे ही रज के मरम्मत की नूरा बड़ा ही रोया बोला दसो भी मैं की आखा। वो कहता तू इदा भी माड़ा होया आखी जावी कभी ना पूरा खाई नूरा अगे गया जज राजे की आवे वह माड़ा होया सुन के उन्हें चंगी वो कसवाई उन्हें कहा तू चंगा होया आखी जाए क्योंकि हम बोलते रहता से आटे चंगा होया आखी जामी अगे गया कि घर किसी को अग लगी सी भारी चंगा होया सुन के उन्हें चंगी वो कसवाई। उन्हें कहा तू लग जा इतों फेरना इधर आमी चुप करके आराम ना जे अगर कोई माड़ा काम हो उ माड़ी तरीके रहना है जे कोई चंगा काम हो खुश रहना।
अगर घर किसी को अग लगे तो उन्होंने बुझाना भी आ पूरा आके गया कि नानके बुझिया लोहार पट्ठी लिया से तार चंगा होया माड़ा होया आपके उन्हें दिखती अग बुझा गुस्सा बना लोहार चढ़िया मर गया बिचो बिच पी कहता यार दोता है पिड़ला मारना है नानी होती सद कर लिया तो नठी आई दोते वाला हार देख के वह बड़ी पछताई नूरे जे ना रौला पा दो चुप चुपी के घर नुआते मार न मुड़ के खा दो सदा सियाने बालक बीबे गल मतलब की करते बिना बनाया बोले जरा उस मूर्ख तक बहुत थैंक यू हेलो आज के दिन जो भी है इन्होंने प्लस वन आने प्लस टू वाले एक बधाई पार्टी दे रहे हैं स्कूल के वालों और अपने वालों क्योंकि स्कूल के आखिरी दिन स्टडी हुए और असं आस करते हैं कि जिस तरह इन्होंने स्कूल के चंगा बिहेवियर दिखाया हो स्टडी के भी चंगा बिहेवियर लैके चंगे नंबर लैन अपने माँ बाप का सैन सोल्जर स्कूल का नाम रोशन कर कल कोई इन्हों बाहर देख के आ रहा है कि सैन सोल्जर पढ़े जी कोई नंबर नहीं कोई गल नहीं बात नहीं क्योंकि गल फिर इन्होंने नहीं आनी गल टीचर की आनी है कि उस दिन टीचर ने पढ़ा नहीं सके इन्हों किसी ने आ नहीं देखना कि ये पढ़ नहीं सके कसूर सारा जो किसी को होंगे ना वो देखा जाता है कि माँ बाप ने इन्होंने चंगी तरीम दी चाहे नहीं दी उस तो बाद फर्ज बनता है टीचर्स का टीचर्स इन्होंने चंकी नॉलेज नहीं देता चाहिए पर यह गैदर कर सकते नहीं कर सकते इन्हों पर डिपेंड है अज भी जिदा गुरप्रीत होर ने कहा कि जे थोड़े मन के गुस्सा है नहीं रखनी किसी प्रति भी थोड़े को गुस्सा है तो अज तुम उसू टीचर्स किसी भी तरीके कह सकते हो कि यार सू आ गिला सू फलाने टाइम से आ गल कही सी जी गलत सके गलत सके दोनों जने निम्रता नाल हाथ जोड़ के एक दूजे के कोल माफ़ी मांगे क्योंकि कल तुम जे किसी ने बाहर मिलो तो नज़र मिला के मिलो आ ना हो रिपीट कर जाओ वो रिपीट करके चल जाओ यदा कोई फायदा कोई नहीं कोई थैंक यू वेरी मच।